हमें अपना मार्गदर्शन देंगे। आप सभी का जिन्होंने कला के क्षेत्र में न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में भी अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का उत्तर प्रदेश फिल्म बंगों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। मेरी इच्छा थी सभी महानुभावों के विचारों को मैं सुनूं। आप में से बहुत सारे लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता रहता है और आपके प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में मुंबई से हमने दो कलाकार को सांसद बनाकर के भेजा है। तो ये लोग आपकी पीड़ा को और यहाँ से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में भी समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आप सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कला या ईश्वरीय एक वरदान है, हर एक के पास नहीं हो सकता है। अलग बात है दृष्टिकोण लोगों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सकारात्मक भाव से देखेंगे तो फिल्मों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है नेशनल इंटीग्रिटी में और समाज को जोड़ने में। तो हिंदी फिल्मों ने हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना बड़ा योगदान दिया है पूरे देश के अंदर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है और हमें उस अच्छाई को देखना होगा जो लोगों के मनोरंजन के साथ साथ उनके ज्ञानवर्धन के लिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता के दृष्टि बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और ये हमारी फिल्मों ने हमेशा किया है, हमें उसको उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। बाकी हर जगह भगवान राम पे भी आरोप लगाने वाले थे और हर एक स्तर पर इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उनसे, बहुत उसकी परवाह के बगैर हमें सकारात्मक दृष्टि से ही आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों ने जाना है, उत्तर प्रदेश में आपकी रुचि बढ़ी, मुझे इस पर प्रसन्नता हुई और मुझे देख करके और भी आनंद की अनुभूति हुई कि उत्तर प्रदेश आप सबके केंद्र बिंदु में है। उत्तर प्रदेश को आप सबके ही प्रयास से 64वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में और 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भी 2020 में भी मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में तो स्पेशल मेंशन अवार्ड भी प्राप्त हुआ था। मोस्ट फिल्म शूटिंग फ्रेंडली स्टेट अवार्ड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल गोवा में भी 2021 में भी उत्तर प्रदेश को अवार्ड प्राप्त हुआ और 2022 में भी मुंबई में भी एक अवार्ड उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी भी है और उत्तर प्रदेश के अंदर केवल बड़े महानगरों को ही जोड़ने के लिए नहीं बल्कि हम लोग इस समय 2017 तक हमारे दो एयरपोर्ट क्रियाशील थे, एक लखनऊ एक वाराणसी, आज हमारे 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। एयर कनेक्टिविटी हमने बहुत अच्छी दी है, 10 एयरपोर्ट पे हम कार्य कर रहे हैं, बहुत शीघ्र इन्हें हम क्रियाशील करने जा रहे हैं। चित्रकूट में भी आपको एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी,
सोनभद्र में भी आपको एयर कनेक्टिविटी की सुविधा हम देंगे। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान राम ने भी अपने वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय चित्रकूट में व्यतीत किया था। उस चित्रकूट में एयरपोर्ट भी है और चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी हम लोगों ने दिल्ली के साथ उसे जोड़ा है। आज दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो दिल्ली से 4 घंटे में आप चित्रकूट पहुंच जाएंगे। इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी यूपी के अंदर आज के दिन पर हमने उपलब्ध करवाई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ कभी आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे और मुंबई में तो रूम नहीं मिलता था आजमगढ़ के वासियों को। आज हम लोगों ने आजमगढ़ में मुंबई से एक कलाकार को वहां सांसद भी बना दिया है। आप देख सकते हैं कि वहां पर कोई भय नहीं है, स्वागत, यानी ये चीजें दिखती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से होकर के जा रहा है, आजमगढ़ में आप लोग सुरक्षित हैं और आजमगढ़ से आने वाला व्यक्ति भी कहीं जाता है तो उसको संदेह की निगाहों से नहीं देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो तराई का क्षेत्र है उसमें हमारे तमाम नेशनल पार्क हैं, पास से नहीं सैकड़ों वर्षों की विरासत उसके साथ जुड़ी हुई है। बुंदेलखंड में किले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, फिल्म शूटिंग के लिए सभी कनेक्टिविटी की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, सुरक्षा के साथ साथ कनेक्टिविटी, यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश ने कला के क्षेत्र में किसी कालखंड में बहुत बड़ा योगदान दिया था, आज भी दे रहा है, और उस विरासत को संरक्षित करना, उसे प्रोत्साहित करना, इसे हम अपना दायित्व समझते हैं। और उसी दायित्व के तहत जब मैं यहाँ मुंबई में मेरा आगमन होता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि सभी इस फील्ड से जुड़े हुए जो महानुभाव हैं उन सभी के साथ एक संवाद का कार्यक्रम जरूर करें। और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण की भी जो हमारी प्रवर्तमान कार्रवाई है ये उसी का हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें रुचि लें। उत्तर प्रदेश में आए, फिल्म सिटी कैसे होनी चाहिए, आज की जो चैलेंजेस हैं आने वाले 50 और 100 वर्षों के अंदर टेक्नोलॉजी कहाँ जाने वाली है, उस चुनौती के लिए हम अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग आपको करेगी, हर प्रकार से उसे आगे बढ़ाने में योगदान देगी। हम आज वर्तमान के साथ साथ भविष्य की उन चुनौतियों के साथ अगर अपने आप को अभी से ढालना शुरू करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई और ये फिल्म सिटी हम वहां पे बना रहे हैं जहां पर जहां से मथुरा की दूरी, मथुरा वृंदावन बरसाना नंदगांव गोकुल ये सभी दूरी आधे घंटे से पौन घंटे की सड़क यात्रा से आप तय कर सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम वहीं पे बना रहे हैं, यानी फिल्म सिटी से 10 मिनट की दूरी में आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी वहां से आधे घंटे से 45 मिनट की दूरी में हम कनेक्टिविटी देंगे, मेट्रो की कनेक्टिविटी देंगे, 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां से बहुत सारी सुविधाएं हम वहां पर देने जा रहे हैं। और इस समय में हमारा कोई अनुभव नहीं है इस फील्ड में, आप लोगों की विशेषज्ञता है, किसी में कोई एक्टर के रूप में, कोई प्रोड्यूसर के रूप में, कोई किसी अन्य रूप में अपना योगदान दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से उन चुनौतियों के बारे में भी आप ही जानते हैं और उनकी समस्या कैसे होती है, उस समस्या के समाधान का मार्ग भी आप ही को सुझाव देना है। आप सबने बहुत अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए हैं, उन सभी सुझावों को हमारी टीम ने नोट भी किया है और उनका हम समाधान भी करेंगे। मेरे सामने कुछ चीजें सामने आई थी, जो बातें आई हैं उसमें खासतौर पर
एक तो जो वेब सीरीज में जो प्रदेश में पिछली बार भी मेरे सामने बार बार आ रही थी कि जो हमारी फिल्म पॉलिसी है यूपी की, उसमें भी वेब सीरीज जो प्रदेश में निर्मित होने वाली वेब सीरीज है उसमें भी हम लोग प्रदेश में जो सब्सिडी यूपी के अंदर हम देते थे तो उसमें भी हम 50% तक सब्सिडी देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उससे काफ़ी कलाकारों को उससे लाभ होगा। वेब फिल्मों के लिए भी हम लोग प्रदेश में जो लागत का 25% तक की छूट हम उसमें उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। स्टूडियो और लैब्स के लिए भी प्रदेश में हम लोग 25% तक छूट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराने के कार्य को हम लोग बहुत शीघ्र उसको संशोधित करने जा रहे हैं। उसका लाभ उत्तर प्रदेश में कोई भी डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर इसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर ले सकता है इस फील्ड में आकर के। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो हमारा संस्कृति विश्वविद्यालय जो एक कॉलेज था, इंस्टीट्यूट था, उसको हम स्टेट का हम लोगों ने उसको एक यूनिवर्सिटी के रूप में हम लोगों ने बदल दिया है और वहाँ पे हम लोगों ने कोई यूनिवर्सिटी भी वहाँ काम करनी शुरू कर दी है। आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता ने एक भोजपुरी फिल्म एक्टर को वहां से सांसद बना के भेजा तो वहां हम एक संगीत महाविद्यालय वहां भी बनाने जा रहे हैं और संगीत महाविद्यालय हरिपुर गांव में देने जा रहे हैं। हरिपुर एक ऐसा घराना है आजमगढ़ का जिसने वादन, गायन और नृत्य तीनों विधाओं में परंपरागत रूप से उस गांव, पूरा गांव ही उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। ये हरिहरपुर गांव है तो आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है लेकिन तबाह हुआ था। बहुत सारी विरासतें आपको कला के क्षेत्र में यूपी के अंदर देखने को मिलेगी, उसे सामने लाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कला का सम्मान होगा, कला को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा तो ये हर एक एक्टर का, हर एक डायरेक्टर का, हर एक प्रोड्यूसर का भी ये सम्मान होगा। और मुझे प्रसन्नता हुई कि आप सब ने इसमें रुचि ली है। उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी से जुड़ी हुई जो कुछ बातें थी जिसके बारे में यहाँ पर अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त ने प्रारंभ में भी अपनी बात को यहाँ पर कहा था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध करवाई हैं और हम लोगों का प्रयास है कि ये ऐसी चीज बने कि जो वास्तव में देश और दुनिया के लिए यूनिक हो और उस दिशा में आप सबके महत्वपूर्ण सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, बहुत उपयोगी होंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, फिल्म इंडस्ट्री की दृष्टि से, एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दृष्टि से भी, और बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और इसके लिए मैं आप सबके उन महत्वपूर्ण सुझावों को जिन्होंने नोट कराया उनका भी और बाकी आप लिख के भी भेज देंगे हमारी फिल्म बंधुओं के पास तो हम सबका भी स्वागत करेंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ, राज्य सरकार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी आज यहाँ पर आए, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य सुझाव दिया। उत्तर प्रदेश आज बहुत आगे की यात्रा पर निकल चुका है, विकास की नई यात्रा है, नया उत्तर प्रदेश है। अब वहां अपराध की बात कुछ नहीं करते, अब वहां दंगे फसाद नहीं होते, वहां लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं हर एक क्षेत्र में और उस डेवलपमेंट को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जहां ये फिल्म सिटी एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, वहीं प्रधानमंत्री जी के डेवलपमेंट के विजन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है उसी दृष्टि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन लखनऊ में आयोजित किया है। वैश्विक व्यापारिक समुदाय इस अवसर पर आएगा, मेरा अनुमान है कि 10 से 15 हजार की संख्या होगी और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यूपी के अंदर होगा। इन्वेस्टमेंट वैसे ही नहीं आता है, उसके लिए सबसे पहली सुरक्षा चाहिए, नौकरशाही के किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप से मुक्ति चाहिए, पारदर्शी कार्य पद्धति चाहिए, लैंड बैंक चाहिए,
और संयोग से आज उत्तर प्रदेश ने सभी चीजों को अपने साथ जोड़ दिया है। और मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, आप सब उत्तर प्रदेश में आइए, अच्छी फिल्मों को बनाने में अपना योगदान दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ मिलकर के कार्य करने में हमें प्रसन्नता होगी। आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, माननीय मंत्री नंदकुमार नंदी जी की ओर से, माननीय रविंद्र जायसवाल सर की ओर से, आप सबके पास ODOP के गिफ्ट भी जो है सबके पास दिए गए हैं। वन प्रोडक्ट जो है ODOP का आपके सामने है, जरूर लेकर जाइएगा। वन चाय के लिए भी हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था आज जो देखा और प्रेजेंटेशन दिया सब्सिडी का, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, खास करके पूरे फिल्म जगत के लिए अच्छा है, बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा है। फिल्म सिटी की भी बात हुई, बहुत ही अच्छा था और इंडस्ट्री काफ़ी खुश है यहाँ मिल के योगी जी को। और जो उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस बोला फिल्म शूटिंग के लिए, बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इनिशिएटिव। और जो एक सेकंड रुक जाते हैं सर को जाने के लिए। हाँ बिल्कुल सर, हो गया। दे दिया ना मैंने। ये बताइए कि जिस तरह से आपने बायकॉट बॉलीवुड की जो पैटर्न चल रहा है इसको लेकर आज आपने योगी जी से बात करी, क्या आप चाहते हैं और कितनी उम्मीद है? यही कि एक स्टेट यूपी जैसा स्टेट अगर साथ दे तो बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है। अगर यूपी के लोग माने कि ये जो बॉलीवुड के बारे में कहा जा रहा है वो वैसा है नहीं, सभी लोग वैसे हैं नहीं, एक घर में भी एक फैमिली में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक बिगड़ा बच्चा होता ही है। हमारा काम क्या है, उसे सुधारना, ना कि उसे उस रास्ते पे आगे चलना। तो मेरी दरख्वास्त यही थी कि अगर ये भी ट्रेंड अगर चेंज हो जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है यूपी सिर्फ। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यूपी जैसा स्टेट आगे आकर एक पॉलिसी सेट कर रहा है एंड इट इज़ द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री। मैं ये कभी चाहता ही नहीं कि हम बाहर जाके शूट करें, मैं हमेशा चाहता रहा हूँ कि शूट करें तो इंडिया में ही शूट करें, क्योंकि रेवेन्यू भी हमें मिलता है, सब कुछ हमें ही मिलता है। तो ये मेरी दरख्वास्त है और मैं पीछे पड़ा रहूँगा कि ये ट्रेंड चेंज होना चाहिए हमारे लिए, भारत के लिए भी। फिल्म सिटी लाई जा रही है जी जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही खूबसूरत प्लान, बहुत ही अच्छा प्लान, लेकिन काफ़ी लोगों ने यही भी कहा कि फिल्म सिटी के साथ साथ मैं मानता हूँ कि यूपी इज़ अ फिल्म स्टेट, इज़ अ फिल्म स्टेट, इट्स नॉट अ फिल्म सिटी। तो हर स्टेट को, हर सिटी को उस स्टेट में बढ़ावा दिया जाए, टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए, खास करके जूनियर्स व्हेन इट कम्स टू लाइट मैन, लाइट असिस्टेंट्स, ताकि हम यहाँ से छोटी सी छोटी यूनिट लेकर जाए। और सब्सिडीज़ उनके वजह से मिलना चाहिए कि अगर आप लोकल टैलेंट को अच्छा काम देते हो तो आपको ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। और वैसे ही और अच्छी बात यह भी है कि OTT को भी इंक्लूड किया जा रहा है, टेलीविज़न को भी इंक्लूड किया जा रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी टीम ने ये सोचा है और अंडर द गाइडेंस ऑफ महाराज जी एंड रवि एंड निरवा कमिंग फॉरवर्ड, आई थिंक बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। एक एक पहले आई थी, पहले ही आई थी। अरुण जी, हाँ
नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा प्रदेश है जिसको हम भारत का आध्यात्मिक खंड कह सकते हैं। भगवान कृष्ण वहाँ जन्मे, भगवान राम जहाँ जन्मे, और आज भी भारत के सारे तीर्थ, पहले तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही था, हिमालय तक एक था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज भी जब दो हिस्से हो गए हैं, उत्तराखंड और ये बन गया अलग, उसके बाद भी आज भी गंगा जमुना उसके दरमियान एक फिल्म सिटी का प्रकल्प आ रहा है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखा है। और जब बड़े बड़े राज्य में बड़ी बात हो रही हो तो उस बड़ी बात के तो बड़े ही चर्चे होंगे, तो आज उसी चर्चे का हिस्सा बनने सब लोग आए हुए थे। डायरेक्टर भी आए हुए थे, एक्टर भी आए हुए थे, प्रोड्यूसर भी आए हुए थे, इतने टर आए हुए थे, एक्टर, डायरेक्टर और कौन से टर, टीचर, बहुत सारे टर आए हुए थे। बहुत बहुत ही अच्छा, सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश नंबर वन पे है और कोई दिक्कत नहीं है। पहले बड़ी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब परमात्मा ने ऐसा एक मुख्यमंत्री बिठा दिया है जो संत भी है, सिपाही भी है। धन्यवाद महाराज। अच्छा, एक साथ आ जाए। हाँ, एक ही साथ इसलिए सही रहे। रोल है सब लोग। हाँ, सब ठीक है। नीचे कर लिए। बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, मैंने कहा, उनको भी कहा मैंने कि मेरे पिताजी जो हैं वो यूपी के हैं और मेरी मम्मी उत्तरांचल की है, लेकिन पैदा हुई थी और पहली बड़ी थी महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो मेरा महाराष्ट्र से भी नाता है, मेरा यूपी से भी नाता है, उत्तरांचल से भी नाता है। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश और हमारा प्रदेश महाराष्ट्र आपस में जुड़ रहा है, और केवल महाराष्ट्र नहीं जुड़ रहा, क्योंकि जब अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जब बनेगी तो उससे पूरे भारत के जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे वो चेन्नई की इंडस्ट्री हो, है ना, चाहे वो केरला की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो कहीं की भी हो, उन सबको एक और जगह मिलेगी भारत में जहाँ पे वो सुचारू रूप से शूटिंग कर सकते हैं, एक पूरा प्रोजेक्ट को लेकर जाकर वहाँ पे संपन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और योगी जी इसकी इतनी अच्छी पहल कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है। एक सेकंड। यूपी लगातार विकास की ओर जा रहा है। बहुत ही अच्छी मीटिंग रही आज का महाराज जी। कोई बात नहीं, पकड़ लिया। मैं तो सबसे पहले पूजनीय महाराज जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फिल्म उद्योग को जितना सराहा है, फिल्म कलाकारों को, फिल्म के निर्देशक को, निर्माताओं को उन्होंने जितना हिम्मत दिया है शायद ही कोई दे सकता है। क्योंकि पूजनीय महाराज जी ने एक बात कह के हर बात का जवाब दे दिया कि कलाकार जो है, कला जो है, वो ईश्वर का वरदान है। इस तरह का भाव पूजनीय महाराज जी अपने मन में रखते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम पे भी कलंक लगाया गया, उंगली उठाई गई, तो कहीं पे इस तरह की चीज़ें बायकॉट जो ट्रेंड चलता है उससे हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिल में हमारी इंडस्ट्री के लिए इतनी अच्छी भावना है, उन्होंने कहा कि फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं करती बल्कि समाज को नया दिशा भी देने का काम करती है, और इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में उन्होंने फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी दिया, उन्होंने सहयोग भी किया और साधन भी मुहैया कराया। तो इसके लिए पूजनीय महाराज जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, हमारा जर्मनी में हम एक्चुअली